अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जो एकदम सॉफ्ट और एकदम झटपट बनने वाले। तो आइए एक मैं आप लोगों को तोड़ के बताती हूँ। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसे गरम होने देंगे। 200 ग्राम घी लेना है। घी एक कढ़ाई में डाल देंगे। घी को मैंने पहले गरम कर ली थी, इसलिए घी मैंने थोड़ा सा बचा ली हूँ, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम बेसन डालेंगे। ये मैंने 400 ग्राम बेसन ली हूँ। जो वाटी से मैंने घी ली थी, वही वाटी से मैंने 400 ग्राम बेसन ली हूँ। बेसन भी डाल देंगे। एकदम अच्छी तरह से हमें चलाते चलाते भूनना है और गैस को एकदम मीडियम रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। अभी मुझे थोड़ा सा घी इसमें कम लग रहा है, तो मैं जो बचाई थी वो भी घी डाल दूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा घी बचाई हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो ही हम डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इसे खूब अच्छे से भूनना है, जब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर एकदम चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए एकदम कलर अभी चेंज हो चुका है और एकदम घी और बेसन एकदम अच्छे से मिल चुका है। इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। एकदम ज़रा सा छींटा मारना है, फिर इसे पका लेंगे अच्छे से। बादाम को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर ली हूँ और ये आधा चम्मच है, ये डाल देंगे इसमें। ये काजू है, ये मैंने एक चम्मच ली हूँ, इसे भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली हूँ, ये भी डाल देंगे। बादाम और काजू डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। बादाम और काजू डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे। अभी इसे एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। ये जैसी जैसी ठंडा होगा वैसी वैसी घट होने लगेगा। बेसन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अभी हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। ये मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जैसे कि आधा चम्मच। और इसमें डालेंगे 1/4 जायफल पाउडर, 300 ग्राम मैंने बारीक शक्कर ली हूँ और इसे हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इतना मैंने रख दिया, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने और थोड़ी सी शक्कर डाली, शक्कर डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने पूरा 300 ग्राम शक्कर यूज़ की हूँ। अभी ये हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम लड्डू बना लेंगे। तो आपको जो साइज़ के लड्डू चाहिए वो साइज़ के आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आपको बनाना है। ये देखिए लड्डू हो चुका है रेडी, अभी हम ऐसे पिस्ता इसके ऊपर एक लगा देंगे शो के लिए। ये देखिए तो ये हमारे बेसन के लड्डू रेडी हो चुके हैं, आ जाओ खाने के लिए। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।